स्टूडेंट भाग आठ में आपका स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास में। ठीक है, भाग आठ में क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 1239 से 242 का क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत किस शब्द के बारे में बताया गया, ये सब आपको बताया गया। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को देखना चाहते हैं जिनको पता नहीं है, आप लोग दो तीन बार इस वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे समझ में आएगा। प्ले लिस्ट आप लोग कमेंट में बोलिए तो आपको प्ले लिस्ट का भी लिंक दे देंगे, या वीडियो का लिंक आप प्ले लिस्ट पे जी जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं इसमें भाग आठ में किसकी बात कही गई है। चलो ठीक है, भाग आठ में, ठीक है, आर्टिकल 239 से 242 तक है, इसके अंतर्गत केंद्र शासित की क्या कही गई बात कही है, किसकी, केंद्र शासित। शासित वर्ड की क्या कही गई है, बात कही गई है। इस शब्द का अर्थ है राज्यों को केवल समिति शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, केंद्र क्या है, वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, राज्य के ऊपर उसका क्या है, कंट्रोल है, और राज्य को, इसको केंद्र का सीधा कंट्रोल किस पर है, पूरे राज्यों पर है, और राज्य को सिर्फ कौन सी शक्तियां दी गई है, राज्य को सिर्फ सीमित शक्तियां दी गई है। राज्य को कैसी शक्तियां दी गई है, सीमित शक्तियां। पावर्स दी गई हैं राज्य को, ओनली किसी को नहीं दी गई। और भारत में, ठीक है, कुछ केंद्र शासित क्या है, फेडरेशन भी रखे गए हैं, क्योंकि भाग आठ में इसकी चर्चा की है, क्योंकि देखिए केंद्र एक जगह रहेगा तो पूरे भारत को नहीं कर पाएगा, अगर जगह जगह छोटे छोटे राज्यों में या छोटी छोटी जगह में केंद्र शासित अपना वर्चस्व रखा रहेगा तो उससे क्या होगा, आसपास के राज्य क्या रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। देखिए आप जैसे दिल्ली में, दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल होता है, बट दिल्ली से पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो भेजेंगे तब टाइम लगेगा, बट क्या है, क्या पूरे देश में छोटे छोटे या एक एक राज्य को में से कुछ भाग को क्या होगा, केंद्र शासित बना दिया जाए तो भारत के दिल्ली से तो कंट्रोल होगा, बट क्या होगा, पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। अगर दिल्ली ने दिल्ली से कोई व्यक्ति को जाना तो दिल्ली से जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बट उसके पास में कोई केंद्र शासित जगह है तो वहाँ से कोई व्यक्ति जा सकता है डायरेक्ट केंद्र से, वो भी केंद्र का व्यक्ति कहलाएगा। इसी के लिए भारत में क्या किया है, कुछ या आठ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, कितने बनाए गए, आठ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन केंद्र शासित से ही क्या होता है, पूरी तरह से राज्य को कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल। सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है लद्दाख, ठीक है, फिर आता है चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, और फिर क्या है, पांडिचेरी या पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है, आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिससे क्या करता है, केंद्र यहाँ से भी क्या करता है, पूरे देश को कंट्रोल करता है। पर आप बोलो कि दिल्ली ओनली से, तो हाँ दिल्ली से होता है, बट अगर चंडीगढ़ से भी होगा, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से भी, दमन से भी, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, इन आठ जगह से क्या होता है, पूरा भारत इंडिया में क्या होता है, इंडिया में, पूरे इंडिया में या भारत में किंस क्या करता है, राज्य पर अपना पूरा वर्चस्व बनाया रहता है। ठीक है, और इनमें से एक बात और है कि दिल्ली के पास एक हाई कोर्ट है, और किसके पास है, जम्मू कश्मीर का, या जम्मू कश्मीर, और किसी केंद्र शासित के पास क्या नहीं है, अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है,
दिल्ली के पास हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के पास हाई कोर्ट है, और किसी केंद्र शासित प्रदेश के बाद अपना खुद का क्या नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान एंड निकोबार, और ठीक है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान एंड निकोबार, कौन है बिगेस्ट या बिगर, बिगेस्ट कौन है, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो चार ऐसे वो बताइए केंद्र शासित जो क्या है समुद्र के पास है, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ठीक है, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान, ये चारों क्या है, ये समुद्र किनारे, या समुद्र के किनारे बोल दीजिए, सी साइड, समुद्र के पास क्या है, किनारे, ठीक है। और तीन ऐसे जगह हैं, मतलब तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे क्या है, विधान सभा है, ठीक है, कौन कौन से जगह है, विधान सभा, क्या है, विधान सभा है, परंतु वहां पे राज कौन करता है, उपराज्यपाल, विधानसभा है तो मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, सीएम बैठेगा, बट इसमें केंद्र के पास क्या होता है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, उपराज्यपाल के पास क्या होता है, इसका कंट्रोल होता है, ये है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, तीन ऐसे केंद्र शासित हैं जहाँ पे क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित पूछा जाए, जहाँ पे विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल है, ये तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले में क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पे उपराज्यपाल भी होगा, ठीक है, विधानसभा भी होगा, सीएम भी होगा, विधानसभा तो सीएम तो होगा ही, यहाँ पे कम होती है जगह, वहाँ पे सिर्फ उपराज्यपाल होता है या राज्यपाल होता है, जो यहाँ पे क्या करता है, राज करता है, ठीक है। तुम्हारा भाग 8 क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, आर्टिकल 239 से 240 तो क्या होगा, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्लासेस होगी तो भाग किसकी होगी, 9 की होगी, इसमें किसकी बात कही गई है, पंचायत की क्या की गई है, बात कही है, किसमें, भाग 9 में पंचायत की क्या की गई है, भाग की गई है, तो आप पंचायत की भाग नेक्स्ट वाली क्लासेस में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।